आज मैं आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में या नरेशन में बदलने के लिए जो सेंटेंसेस हैं वो हैं प्रश्नवाचक वाक्य। मैं इनको समझाने जा रहा हूं आज। प्रश्नवाचक को अंग्रेजी में कहेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इनका क्रम देखिए वही रहेगा, सबसे पहले इंडेफिनिट टेंस के और उसके बाद कंटिन्यूअस के। मैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बदलूंगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में और समझाऊंगा कि ये कैसे बदले जाते हैं। देखें, सबसे पहले सेंटेंस को देखें, लेकिन सेंटेंस को देखने से पहले जो हमें पहले से मैं कराता चला आ रहा हूं, दैट का प्रयोग कनेक्टिव के स्थान पर दैट का प्रयोग बताता चला आ रहा हूं, तो वो दैट नहीं लगेगा इन वाक्यों में। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में दैट का प्रयोग नहीं होगा। देखें इंडेफिनिट के किस तरीके से बदले जाते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बदले जाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। ही सेड टू मी, सबसे पहले हम इन्हीं शब्दों को क्यों ना देख लें। ही सेड टू मी, तो यदि यहां पर क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है अर्थात रिपोर्टेड स्पीच के आगे, रिपोर्टेड स्पीच होती है ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद, इधर भी इन्वर्टेड कॉमास, इधर भी इन्वर्टेड कॉमास, बीच में बंद जो स्पीच होती है वो जो कथन होता है ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है। देखें रिपोर्टिंग स्पीच में क्या अंतर आएगा और रिपोर्टेड स्पीच में क्या अंतर आएगा ये देखना है। ही सेड टू मी, यहां पर दिख रहा है हमें क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क को देखते ही हमें समझ जाना चाहिए कि ये जो प्रश्न है डायरेक्ट का ये इंटरोगेटिव है, क्योंकि मार्क ऑफ इंटरोगेशन अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह केवल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ही लगता है। ही सेड टू मी, अब सेड टू बदला जाएगा, सेड टू काय में बदला जाएगा ये सोचने की बात है। ये साधारण रूप से आस्ड में बदला जाता है, ए एस के ई डी, ये देखें आस्ड। साधारण तौर पर जब आप क्वेश्चन मार्क यहां पर देखें रिपोर्टेड स्पीच के बाद तो आप समझ लें कि यहां पर आस्ड का प्रयोग होगा, लेकिन केवल आस्ड का होगा ऐसा जरूरी नहीं है, और शब्दों का भी प्रयोग हो सकता है। जैसे आस्ड इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड को जरा ध्यान से देखें कि इसके आगे जब तक ऑफ नहीं आएगा ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। इंक्वायर्ड केवल इंक्वायर्ड के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, जब इंक्वायर्ड के बाद ऑफ आएगा तब ऑब्जेक्ट आएगा। इसके स्थान पर वांटेड टू नो भी हो सकता है सेट टू के स्थान पर, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। वंडर्ड भी हो सकता है, वंडर्ड में भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। इस तरीके से कई शब्द इसके स्थान पर आ सकते हैं, लेकिन जो जनरली यूज किया जाता है वो है आस्क, जो सबके लिए बहुत सरल है। आस्क माने पूछना। ही सेड टू मी, ही आस्क्ड मी में बदल जाएगा क्योंकि आस्क के आगे टू नहीं लगेगा, सेड टू के स्थान पर आस्क्ड शब्द का प्रयोग होगा। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमास, ये कॉमा है और इन्वर्टेड कॉमास है, इसके स्थान पर डैट नहीं लगेगा। अब तक डैट लगता चला है वो और चीज है, अब ये इस समय कौन सी चल रही है देख लीजिए। डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, इफ या वेदर का प्रयोग होता है, डू हट जाएगा, केवल डू प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए यूज किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, डू या डज,
तो डू या डज का यदि वाक्य के शुरू में प्रयोग है तो आप ये समझ लें, और नॉट नहीं लगा हुआ है तो डू हटेगा। देखें इफ या वेदर कुछ भी लगा सकते हैं, इफ आई एफ और वेदर डब्ल्यू एच ई टी एच ई आर वेदर। अब देखें यू काय में बदलता है, यू हमेशा ही ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है रिपोर्टिंग स्पीच के। ऑब्जेक्ट ये है मी, मी का क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, यू के स्थान पर आई आएगा। तो यहां पर क्या हो गया आई, डू यहां लगेगा नहीं, यू का हो गया आई। इफ के बाद ध्यान रहे इफ जो है वो कैपिटल लेटर से इसका आई नहीं लिखा जाएगा, ना वेदर का डब्ल्यू कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। यू के स्थान पर आई आ गया, बाकी सेंटेंस साधारण बनेगा जैसे कि आप इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट में बदलते चले आए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदलते चले आए हैं वैसे ही बनेगा। देखें यू प्ले क्रिकेट, इसको ध्यान से देख लें, आई प्लेड क्रिकेट हो गया, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदल गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई और इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म आती। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो जाए, प्रश्नवाचक ही रहे लेकिन नेगेटिव हो जाए, तब डिड का प्रयोग करेंगे, डू के स्थान पर डिड का प्रयोग करेंगे, डू के स्थान पर तो नहीं करेंगे लेकिन सेंटेंस नेगेटिव बनाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट का प्रयोग होता ही है, वैसा ही करेंगे। ही सेड टू मी, ही आस्क्ड मी, आप समझ ही गए, मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं। इन्वर्टेड कॉमास और कॉमा को हटा दीजिए, इफ लगा दीजिए, वेदर लगा दीजिए, डू यू कितना सरल है, यू के स्थान पर आई आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ये ऑब्जेक्ट रहा ये, यू ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, यू डू यू नॉट प्ले क्रिकेट हो जाएगा आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, ये डू डिड में बदल जाएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा। क्योंकि हमेशा याद रखें कि कभी भी वाक्य प्रश्नवाचक इनडायरेक्ट सेंटेंस में नहीं रहता, उस साधारण सेंटेंस में बदल जाता है, प्रश्नवाचक कभी नहीं रहता, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह भी नहीं लगाना चाहिए कभी भी, प्रश्नवाचक चिन्ह भी हट जाता है, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज भी हट जाता है, इस तरीके से ये सेंटेंस बनते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह का ध्यान रखें, ये कभी नहीं लगा रह सकता क्योंकि वाक्य साधारण सेंटेंस में बदल चुका। He said to me, why do you play cricket? अब देखिए why के प्रयोग से, यानी why है, when है, where है, ये जो शब्द हैं WH words कहलाते हैं, इनके प्रयोग से किस प्रकार से सेंटेंस में चेंज होगा, ये भी इंटेरोगेटिव है। तो देखें He said to me, he asked me में बदल जाएगा, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। Why do you play cricket? तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो? Why do you प्ले क्रिकेट, वाई माने क्यों? तो याद रहे इस बात का कि डू इसमें नहीं लगेगा। वाई आई प्लेड क्रिकेट, सीधा सेंटेंस आ जाएगा वाई आई प्लेड क्रिकेट, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा। अब देखें प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस इस चीज में कैसे परिवर्तन आते हैं। ही सेड टू मी, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, इसमें देखें इसके साथ इफ या वेदर का प्रयोग हो गए, आज पहले की तरह रहेगा, ही सेड टू मी, ही आस्क्ड मी हो जाएगा, इफ आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, इफ आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, क्यों? यू आई में बदल जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट है ये। इफ आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदल गया, साधारण सेंटेंस बन गया, क्वेश्चन मार्क लग नहीं सकता, और इफ जब लगेगा तो ये दोनों हट जाएंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और क्लोज और बिगनिंग दोनों ही हट जाएंगे, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। अगला सेंटेंस देखें, ही सेड टू मी, आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ये किस तरीके से बनेगा? नेगेटिव वाक्य, ऐसे मैंने इसमें भी बताया था नेगेटिव वाक्य कैसे बनते हैं, इसको ऐसे बनाएंगे कि ही सेड टू मी, ही आस्क्ड मी में बदल जाएगा, इफ लग जाएगा और इसमें ये इन्वर्टेड कॉमा कॉमा हट जाएगा, आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट बनेगा, आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा, आई ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा,
रिपोर्टिंग स्पीच के, और ये भी इसी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा, तो आई वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट इस तरीके से आएगा। अब देखें अगला सेंटेंस, ही सेड टू मी व्हाई आर यू प्लेइंग क्रिकेट, ही सेड टू मी व्हाई आर यू प्लेइंग क्रिकेट। देखें ये कैसे बनेगा, वाई हमेशा कनेक्टिव का काम करेगा, जितने भी क्वेश्चन वर्ड है वाई है, वेन है, वेयर है, हाउ है, इसमें कभी इफ वेदर डेट का प्रयोग नहीं होगा, स्वयं वाई वेन वेयर हाउ ये सब कनेक्टिव का काम करेंगे, अर्थात जैसे डेट आता था पहले उसकी जगह इन्हीं का प्रयोग होगा। वाई जहां भी हो सेंटेंस में ये कनेक्टिव का काम करता है, इसके स्थान पर कोई और कनेक्टिव नहीं आएगा। ही आस्क्ड मी, ही सेड टू मी के स्थान पर आएगा ही आस्क्ड मी, आप जानते ही हैं। व्हाई आर यू प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट क्यों खेल रहे हो, व्हाई अपने स्थान पर ही रहेगा, ये इन्वर्टेड कॉमा बिगिनिंग हट जाएगा, कॉमा हट जाएगा, व्हाई और यू के स्थान पर आर ये यहां पर नहीं रहेगा, कर्ता के बाद जाएगा, क्योंकि साधारण सेंटेंस, अब साधारण सेंटेंस बनाने को जा रहे हैं इनडायरेक्ट में, तो इसलिए ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस तो रहेगा नहीं। वाई आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, अर्थात यू शुरू में आएगा वाई के सीधे बाद, वाई के सीधे बाद कर्ता आ जाता है, इस प्रकार के जब इनडायरेक्ट में हम बदलते हैं इस प्रकार के सेंटेंस को, वाई यू आई में बदलेगा, ये तो आप जानते ही हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार। Why are you playing cricket? Why I was playing cricket? इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदलता है, चेंज किस चीज में हुआ, why में। अब तक आपने देखा कि इफ या वेदर का प्रयोग करते थे, इफ या वेदर का प्रयोग इफ का भी कर सकते हैं, वेदर का भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी अगर यहाँ पे why की जगह when होता तो when ही होता कनेक्टिव, अगर वेयर होता तो वेयर ही होता कनेक्टिव, हाउ होता तो हाउ ही कनेक्टिव रहता, तो इस तरीके से वही कनेक्टिव रहते हैं जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं। इस तरीके से ये सेंटेंस बदले जाते हैं इंटरोगेटिव के, प्रेजेंट इंडेफिनिट के और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस इस तरीके से बदले जाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में। कैसी लगी मेरी ये वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। God bless you. Thank you very much.